अलैकुम खैरियत। तो ऐसे ही जो और जो सईद अशू भाई, जो और लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह, फिर शेख गौस कह रहे हैं कि माशाल्लाह, टीम चैलेंजर्स ने कहा कि माशाल्लाह। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इसी दुनिया के यानी कि अल्लाह के गुलाम और बंदे हैं, तो हमको हर जगह जहाँ जहाँ हमसे हुआ हम उस काम को अंजाम देंगे। और आपसे अदबन और सभी से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेक कामों से जुड़िए और इंशाल्लाह नेक काम से जुड़ने के बाद और हम और कामों को हम अंजाम दे सकते हैं। और बाकी के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जितने लोगों ने और इस काम से जो जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह। हाँ, मोहम्मद इम्तियाज़ भाई जो जहराबाद के रिपोर्टर है, कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब। तो आप ही के मस्जिद का भी हमने अपडेट डाल चुका है, अभी तक हमें कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आया हमारे लोगों के दरमियान से। इंशाल्लाह हम काम को अंजाम देंगे। और जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी नीयत साफ़ है, जो अल्लाह की राह पे काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम भी उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। जज़ाकअल्लाह खैर फाउंडेशन का काम और जितने NGOs का काम इस दुनिया में जो काम को अंजाम हो रहा, तो वो सिर्फ इंसानियत के नाम पे काम हो रहा। और हम जो काम को अंजाम देने जा रहे हैं, बेशक आप लोगों का साथ और दुआओं के ज़रिए से बेहतरीन काम को अंजाम दे सकते। बहुत आसान हो चुका अल्लाह के ज़रिए से ये फेसबुक की लाइव पे जो लोग रूबरू देख रहे हैं। मेरे भाई, जो बच्चों में कल तक चावल की कमी थी, अब उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में चावल मिला। तो हमारी टीम बता रही थी भाई, बच्चे इतने खुश हुए जिसकी हद नहीं है। तो ऐसे कई मदरसे हैं जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ और आप नहीं पहुँच पा रहे, और जिन लोगों को नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी उस काम को अंजाम दीजिए। या आपके 500 या 100 रुपये या 1000 रुपये के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे बच्चों की भूख मिट सकती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अगर हम काम को अंजाम देंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। और जो लोग मेरे दोस्त लोग हैं, जो पुणे से डॉक्टर उमर साहब और बीजापुर के अबू बकर और ऐसे कई लोगों जो कामों को भी अंजाम दे रहे हैं, बहुत जल्द ये प्लेटफॉर्म अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे होगा। अभी कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, फूड बैंक का काम शुरू हो गया। बस आप लोगों की दुआएं रहें और साथ रहा, तो बहुत जल्द काम को अंजाम देंगे। इसीलिए हम तो अच्छा खा रहे खाना, मगर उन औरों के लिए नहीं। अगर इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश यह है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो या KFC हो या अलबेक के काउंटर्स क्यों ना हो, बड़े बड़े फूड बैंक्स क्यों ना हो, तो हम उन बच्चों को, मदरसों के बच्चों को, उन गरीब इमदाद को वहाँ पे ले जाने की, खाना खिलाने की ख्वाहिश है। क्योंकि बड़े लोग तो खाते हैं, अच्छा खाते हैं, और हम इंशाल्लाह वो करके बताएंगे और ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। और बाकी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो इस बार मिलादुन नबी का जो महीना आ रहा, तो जो लोग घूम रहे हैं, घूमते हैं इंजॉय करने के लिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत के लिए तवज्जो करें। और हमारे ब्लड कैंप्स भी गिनने वाले हैं, उस ब्लड कैंप में भी आपका साथ रहा, तो ऐसे कई तलस्मिया के बच्चे और कई ऐसे पेशेंट्स को हम ब्लड्स प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज में और हमारी जज़ाकअल्लाह खैर फाउंडेशन टीम निज़ामबाद को सलाम करता हूँ, जिन्होंने रात में हमें अब्दुल सलाम साहब का मैसेज मिला एक फेसबुक के मैसेंजर के ज़रिए से, हमने उस काम को अंजाम दिया।